अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं आर फॉर रज़ा। तो आज हम अपने दोस्त की एक पीसी बिल्ड की वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो बजट है 1,40,000 रुपये का। वहाब साहब होते हैं, माशाल्लाह वहाब साहब प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनर हैं और गेम डेवलपर हैं। तो इनको एक अच्छा पीसी रिक्वायर्ड था, तो हमने ज़ियोन सिटी की तरफ रुक कर अपना, और आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आ जाओ। अच्छा, इस बिल्ड के अंदर हमने जो केस यूज़ करा है वो आप देख सकते हैं, एरोकूल का केस है और ये ब्रांड न्यू है। ठीक है जी, ये अभी इसकी वकास भाई सील खोल रहे हैं, अभी ये बिल्ड तैयार करने जा रहे हैं। आप इसके अंदर बहुत अच्छा एयर फ्लो है इस केसिंग का, आप देखें जिस तरीके से। अब ये देखें, ब्रांड न्यू ये केस है, इसके अंदर एक ही आरजीबी फैन लगा हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के 3 फैन लगे हुए हैं, यहाँ सप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये एक बहुत अच्छा केस है जो ओवर फ्लो के लिहाज से भी बेहतरीन है। अंदर हम जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो H310M यूज़ कर रहे हैं, MSI का। अच्छा वकास भाई, ये बताइएगा ये मदरबोर्ड के अंदर कितनी रैम स्लॉट्स हैं? सही है, 2 रैम स्लॉट का मदरबोर्ड है और 9th जनरेशन 8th जनरेशन इंटीग्रेटेड बोर्ड है। हाँ जी, तो ये मुझे बताइएगा इसमें M2 स्लॉट लगती है या नहीं लगती है? नहीं, इसमें M2 स्लॉट लगती है। ठीक है वकास भाई, तो चलें बिल्ड शुरू करें। वकास भाई जी सर, तो ये देखें, ये वकास भाई मदरबोर्ड खोल रहे हैं आपके सामने फर्स्ट टाइम। अच्छा, इस बिल्ड में जो हमने प्रोसेसर इस्तेमाल करा है वो i5 9th जनरेशन का, ये ब्रांड न्यू है कूलर के साथ। बिल्ड के अंदर XPG की ब्रांड न्यू 16 GB DDR4 यूज़ किए फ्यूरी की, ये एक स्लॉट के अंदर है, ये विदाउट RGB है। सप्लाई जो यूज़ करी है वो 600 वॉट की प्रोटॉन की यूज़ करी है, ये ब्रांड न्यू सप्लाई है।
इस बिल्ड में जो कार्ड हमने यूज़ करा है वो 2060 का है और ये ब्रांड न्यू कार्ड है। MSI का कार्ड ही है। नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर मिलते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।